नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आज भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप वुमेन एशिया कप का फाइनल खेला जा रहा है। शानदार तरीके से आज पहले टॉस जीता श्रीलंका ने और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन श्रीलंका पर ये बल्लेबाजी करने का फैसला भारी पड़ गया, क्योंकि जब भारतीय गेंदबाज मैदान पर आए तो भारतीय गेंदबाजों ने एक के बाद एक विकेट चटकाते चले गए, लेकिन टीम इंडिया की हैट्रिक हो गई। अब मैं आपको पूरी हैट्रिक का किस्सा बताऊंगा, टीम इंडिया के गेंदबाजों का पूरी कहानी बताऊंगा। दरअसल हुआ क्या कि श्रीलंका के बल्लेबाजों का जो पतझड़ था वो तीसरे ओवर से शुरू हो गया, जब शानदार तरीके से विकेट गिरते चले गए, लेकिन चौथे ओवर में एक बहुत कमाल का काम हुआ। चौथे ओवर में रेणुका सिंह, जो टीम इंडिया की तेज गेंदबाज है, रेणुका सिंह ने शानदार तरीके से गेंदबाजी की। पहली दो गेंदें रेणुका सिंह ने खाली निकाल दी, लेकिन तीसरी गेंद पर रेणुका सिंह ने विकेट चटकाया। उसके बाद में चौथी गेंद पर एक शानदार तरीके से रन आउट टीम इंडिया ने किया, और पांचवी गेंद पर फिर से रेणुका सिंह ने एक विकेट चटका दिया। तो ये बेशक रेणुका सिंह की हैट्रिक नहीं थी, लेकिन टीम इंडिया के खाते में विकेट की हैट्रिक गई, और टीम इंडिया की इस हैट्रिक के दम पर ही श्रीलंका की टीम फिर उबर नहीं पाई मैच में, और केवल 65 रनों के स्कोर पर श्रीलंका की टीम 9 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में केवल 65 रन का स्कोर बना सकी। तो जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि फाइनल में एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में टीम इंडिया की इस गेंदबाजी की तारीफ करनी पड़ेगी। जिस तरीके से रेणुका सिंह ने, उसके बाद में स्नेह राणा ने शानदार तरीके से गेंदबाजी की, बेहतर तरीके से आज टीम इंडिया के गेंदबाजों ने गेंदबाजी करके श्रीलंका को केवल 65 रनों पर रोक दिया। लेकिन जाहिर तौर पर जो चौथा ओवर था उसका बहुत अहम योगदान है, जिसमें लगातार 3 विकेट श्रीलंका के गिरे, और उस ओवर ने कहीं ना कहीं श्रीलंका से इस मैच को छीन लिया। तो बेशक रेणुका सिंह की वो हैट्रिक अपने विकेट के तौर पर ना हुई हो, लेकिन टीम इंडिया के तौर पर, टीम इंडिया के विकेट के तौर पर, गेंदबाजी के तौर पर वो हैट्रिक हुई, और उसी तीन लगातार विकेटों के दम पर टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए केवल 65 रनों पर श्रीलंका को रोक दिया। तो आपका टीम इंडिया की इस गेंदबाजी पर क्या कहना है, शानदार तरीके से कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।